मैं हूं राहुल और आपका स्वागत करता हूं एयरपोर्ट जयपुर। आज मैं आपके लिए चार्जर बना करके दिखाने वाला हूं। मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था कि आप किस तरीके से चार्जर को बना सकते हो। ये हर तरीके की जो भी जो आपके पास बैटरी होगी, बाइक की बैटरी होगी या यूपीएस की, मतलब कोई बैटरी है, तो आप उसे सिंपली चार्ज कर सकते हो। और जो इसका बैकअप आएगा फ्रेंड्स वो भी काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपको नीचे में रेड कलर का जो बटन आपको दिख रहा है उसे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप आरके इन्फॉर्मेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आने वाली रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर सबसे पहले ही मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि 8000 mAh की है। आप लोग जो भी सोचते हो कि 8000 mAh की से पावर अगर मिलती है तो यूपीएस की बैटरी भी तो उतनी वोल्टेज की रहती है। तो आप लोग ये देखिए, मैं यहाँ पर सिंगल बैटरी इसमें यूज किया हूँ इसलिए ये 8000 mAh की, लेकिन उतनी पावर की तो नहीं रहेगी। आप इसे कॉमन में यूज कर सकते हो, मतलब मान लीजिए आपको कुछ नॉर्मल चीज़ों पर इसे ट्राई करना है, जैसे कि 12 वोल्ट की मोटर है या 12 वोल्ट का वाटर पंप है, तो आप लोग उसे यूज कर सकते हो इस वाले बैटरी की हेल्प से। आप लोग सोचोगे कि इसे मैं 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे तक इसे यूज करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको चार्जर को बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, सॉरी फ्रेंड्स, आपको इसे बनाने के लिए MDF बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। आप कार्डबोर्ड में भी इसे लगा सकते हो, क्योंकि ये चार्जर है तो इससे मजबूती भी इसे देना चाहिए, मतलब इसे काफ़ी मजबूत होना चाहिए जिससे ये टूटेगा नहीं। और अगर आपके पास MDF बोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड में भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो आप बिना किसी बॉक्स में लगाए आप इसे डायरेक्ट से यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की MDF बोर्ड की कट ले लेनी है आपको। इसमें काफ़ी सारे होल भी करने होंगे, क्योंकि जो मैं आपको इसमें यूज करके दिखाऊंगा, जो सर्किट हमारे पास है वो हीट होगा तो उसकी हीट बाहर निकलनी भी चाहिए जिससे जो ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब आउटपुट पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर एक कॉपर वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आउटपुट के लिए हमें अच्छे वायर का यूज करना है। और यहाँ पर इनपुट के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे 220 वोल्ट से चलाएंगे, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर मैं प्लग वायर का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स भी यूज कर रहा हूँ जो कि आपको पता ही है बैटरी में ये लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। और जो भी वीडियो आने वाली रहती है उससे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और आपके फ़ायदे की ही वीडियोस बनती है। तो ये जो सर्किट है फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे ये सर्किट तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, तो मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेस किया है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में। अब मान लीजिए अगर आप एडाप्टर लेने जाते हो तो आपको 350-400 या हो सके तो आपको 500 रुपये भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सर्किट लेते हो तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 रुपये के अंदर में ले सकते हो। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में इसका लिंक नहीं मिला मुझे, तो मैंने इसे लोकल से ही परचेस किया है। तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारी आउटपुट की रहेगी, और जो इनपुट वाली पॉइंट थी वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो आप लोग सोचोगे ये सर्किट का आखिर नाम क्या है, मैं आपको बता क्यों ले रहा हूँ। तो इस सर्किट का नाम है फ्रेंड्स, आप मान लीजिए लोकल मार्केट पर जाते हो इसे लेने के लिए, तो सिंपली आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे 12 वोल्ट का चार्जर चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ सर्किट। तो ये जो सर्किट है ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर की चार्जर है, मतलब 2.5 एम्पीयर तक की बैटरी को ये चार्ज कर सकता है। आप लोग सोचेंगे यूपीएस की बैटरी तो mAh की होती है, 7 mAh की होती है, 7.2 mAh की, और बाइक की जो बैटरी होती है मैक्सिमम वो भी 10 के अप्रोक्स में ही होती है, तो वो भला कैसे चार्ज हो सकती है। तो मैंने इसे पहले भी ट्राई किया है, ये काम करती है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पहले ट्राई करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सर्किट है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, इसके साइज में मैंने बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है, ग्लू गन से मैंने चिपकाया है। आप इसे फेविकॉल, फेविक्विक या आपके पास जो भी है सिंपली आप उसकी हेल्प से इसे चिपका सकते हो। और आप लोगों को वायर मैं आपको बता दूंगा। अब जो ये LED है, ये LED के लिए मैंने यहाँ पर जो पहले से एक बॉक्स को काट के रखा हुआ था MDF बोर्ड को, जो इस पर डायरेक्ट ये फिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसे मतलब और भी दूसरे वाले बॉक्स में मैं सेट करके आपको दिखाऊं, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। मुझे ये छोटा सा लगा, मतलब ये इतना छोटा है कहीं पर भी ले करके जा सकते हो और आप इसे चार्ज कर सकते हो। अब जो ये सर्किट है और क्लिप्स है, इन सभी को मतलब इसकी जो वायरिंग है वो हमें करनी होगी। तो जो आउटपुट वाली वायर है उसे हमें इस वाले पॉइंट से बाहर निकालना है, मतलब इसके अंदर में ले लेना है, और आपको यहाँ पर एक गांठ लगा देना है, मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से
बांध देना है, जिससे जो ये जो सर्किट है मतलब जो वायर जब हम इसे सोल्डर करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बांध देना होगा और इस तरीके से ये सेफ भी हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता ही है, जो ब्लैक वाला साइड है वो हमारा नेगेटिव है और जो रेड वाला साइड है वो पॉजिटिव है। तो सीधा इसे डायरेक्ट कनेक्शन कर देना है और जो इनपुट वाला वायर है उसे भी हमें यहाँ से ही वायर को निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से इसमें भी हमें करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कभी करते नहीं हो, मुझे यहाँ तक पता है, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेते हो तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते नहीं हो। मैं आपके लिए वीडियोस तो बनाता हूँ लेकिन उन पर व्यू नहीं आते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन आपको हो सकता है व्यूवर की मतलब नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रही है। तो आप लोग एक बार जरूर से चैनल पर जाके देखिए, जो हमारी जो चैनल है हेल्प ग्रुप चैनल, वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ से देखिए कि हमारी वीडियो आपके पास आई है या नहीं आई है। अगर आ जाती है तो आपको इससे पता भी चल जाएगा कि मैं हमेशा वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। और अगर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, तो आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर से सर्च कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मान लीजिए अगर आप हमारी वीडियो अगर एक महीने या डेढ़ महीने से अगर नहीं देख रहे हो चैनल पर एक भी वीडियो, तो मोनिटाइजेशन जो मतलब आप बेल आइकन को प्रेस किया हो वो नॉन में चला जाता है, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हो चैनल मैंने छोड़ दिया, तो ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसे बिजली वाले बोर्ड पर लगा दिया जहाँ पर 220 वोल्ट हमें आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हो मल्टीमीटर यहाँ पर तैयार है। तो मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो ये देखिए स्विच को ऑन करते ही यहाँ पर आप इसकी जो वोल्टेज है वो देख सकते हो। मैक्सिमम वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 18 वोल्ट, क्योंकि मल्टीमीटर पर आपको हमेशा वोल्टेज बढ़ा करके ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ये डिजिटल वाली तो है नहीं, नॉर्मल ये है जो पुरानी में आती थी वो मल्टीमीटर मेरे पास है। तो अब जो ये जो इन्वर्टर है ये मतलब इस इन्वर्टर से ये 100 वाट की बल्ब जलती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन ये अभी ग्लो नहीं कर रही है क्योंकि जो बैटरी है वो बैटरी अभी लो है, इसलिए मैंने इसमें कनेक्ट किया है। क्योंकि आप लोग जब तक मैं इसे चार्ज करूँगा ना बैटरी को तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। अब मैंने आपको इसे चेक करके भी दिखा दिया है, कोई अलग से तो वायर यहाँ पर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे चार्ज में लगाता हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मैंने जो 12 वोल्ट की जो बैटरी बनाई थी उस पर आपको जो चार्जर चेक करके दिखाया था उस चार्जर से मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ। मैं इसी चार्जर से चार्ज करूँगा, जैसे कि याद रखिए बिजली वाली बोर्ड है, मैंने इसे लगा दिया और यहाँ पर ये दोनों LEDs स्टार्ट हो गया है। अब इसे थोड़ी देर तक के लिए मैं छोड़ूंगा, लेकिन चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए तुरंत ये स्टार्ट हुआ, LED जो बल्ब है वो तुरंत से ग्लो किया और ये बंद हो गया, क्योंकि बैटरी लो है और ये चार्जर से ये पावर इसके अंदर में जा रही है। तो चलिए थोड़ी देर हम इसे छोड़ देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स इसे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। और वीडियो जो है जो वॉइस है वो बीच बीच में कट भी रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है अभी कोरोना का टाइम है, अभी सब घर में ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से नॉइस की थोड़ी बैलेंस होती है। और देखिए ये जो इन्वर्टर है अब ये अच्छी तरह से चल रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने आपको इसे चेक करके दिखा दिया है, जो ये एक अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। आप लोग सोचोगे कि मैंने इसे किस तरीके से चेक करके दिखाया है, तो आप लोग जब इसे चार्ज करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और आपको इसे सिर्फ 6 घंटे चार्ज लगाने हैं, बाइक की बैटरी है तो भी 6 घंटे, UPS की बैटरी है तो भी 6 घंटे ही लगाने हैं। अगर आप उसे ज़्यादा लगा देते हो तो बैटरी आपकी डैमेज भी हो सकती है, और इसका मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा, मतलब मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा कि मेरी वजह से ये ख़राब हुआ है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। मैं हमारे चैनल की जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।